भाई जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हर किसी को आइसक्रीम खाने की याद सताने लगती है, और ख़ास तौर से रात में डिनर के बाद तो दिल कहता है कि बस अब तो आइसक्रीम हो जाए। बच्चे हो या बड़े सभी का दिल करता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ घर के कुछ बेसिक सामानों से, मात्र दो तीन चीज़ों से ही बाज़ार से भी अच्छी आइसक्रीम घर पर बनाएं और अपने बच्चों को हेल्दी खाने की आदत डालें। क्योंकि घर पे बना हुआ खाना या जो भी चीज़ हम बनाते हैं हमें पता होता है कि हम उसे कितनी शुद्धता के साथ बना रहे हैं, पर बाज़ार की चीज़ों का कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी हम घर में बनाकर खिला सकते हैं बच्चों को ज़रूर खिलाएं। वो अलग बात है कि कुछ चीज़ें हम घर पर नहीं बनाते, पर वो चीज़ें कभी-कभी तो बाहर खाना बनता है। 1 लीटर दूध को डाल दिया है पैन में, और इसी में से थोड़ा सा दूध अलग एक बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 8 टेबल स्पून अरारोट। आप चाहें तो कॉर्न फ्लार भी ले सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर चीज़ों में अरारोट का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी इकोनॉमिक पड़ता है। तो 8 टेबल स्पून आप डाल दें और अच्छे से मिला लें, और इधर दूध में भी अच्छे से बॉयल आ गया है, और बॉयल आने के बाद भी 5 मिनट दूध को अच्छे से उबाल लें। और अब इसमें धीरे धीरे जो अरारोट हमने घोला था एक हाथ से डालते जाएं और दूध को चलाते जाएं कुछ इस तरह से, और बराबर हिलाते हिलाते धीरे धीरे दूध अपने आप गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से जब चम्मच को दूध कोट करने लगे तब आप समझें कि दूध गाढ़ा हो गया है, क्योंकि अभी रखने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। तो कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2/3 कप मिल्क पाउडर। इसे भी हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। पूरे मिल्क पाउडर को अच्छे से दूध में मिला लेंगे। अगर लम्स पड़ते हैं तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। आगे बताऊंगी कि कैसे हमें आइसक्रीम जमानी है। तो पूरा दूध डाल दिया है और अच्छे से मिला लिया है, और अब डालेंगे इसमें 1 कप चीनी। सारी चीज़ों को मेज़र करके ही डालें। चीनी को भी पूरे मिश्रण में अच्छे से मिला लेंगे और साइड से भी छुड़ाते जाएंगे, और जब चीनी गल जाए तो मिश्रण हमारा बनकर तैयार है। गैस को कर देंगे ऑफ। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, और जो लम्स दिख रहे हैं चिंता बिल्कुल भी मत करिए। ढेर सारी आइसक्रीम बनाकर 2-3 दिन एंजॉय करूंगी। गैस को कर दीजिए ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आप चाहें तो सभी चीज़ों की मात्रा आधी करके बना सकते हैं। मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना गाढ़ा हो गया है। बस इसी तरह का हमें मिश्रण चाहिए। और अब यहाँ पर लिया है एक स्टील का कंटेनर, और पूरे मिश्रण को हम डाल देंगे इसी कंटेनर में, और डालने के बाद 7 से 8 घंटे या आइसक्रीम जमने तक हमें इसे जमाना होगा। क्योंकि कम से कम आइसक्रीम अच्छे से जमने में 7-8 घंटा ले ही लेती है। और याद रखें, जब भी फ्रीज़र में इसे जमाने के लिए रखें तो इसे कवर ज़रूर करें, क्योंकि कवर करने पर आइसक्रीम क्रिस्टलाइज नहीं होती है और बहुत ही सॉफ्ट जमती है। तो आइसक्रीम जमकर तैयार है, और इस खाली हिस्से को देख रहे हैं ना भाई। रात में मेरे यहाँ 2 चोर बाप बेटा जागते रहते हैं, और जब मैं सो जाती हूँ और उन्हें पता होता है कि आज आइसक्रीम बन रही है तो रात में पूरी बनने से पहले ही निकाल के खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए कोई बात नहीं, पूरी आइसक्रीम को हम तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद आधी आइसक्रीम को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे
और डालने के बाद कवर करके इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो कवर कर दिया है और अब अच्छे से फेंट लेंगे। आइसक्रीम फिट चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। अब डालेंगे इसमें हम 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। जब हम आइसक्रीम को फेंटते हैं तो लम्स भी इसके ख़त्म हो जाते हैं। चौथाई कप फ्रेश मलाई दूध की ली है, आधी मलाई हम आधी आइसक्रीम में डाल देंगे। और डालने के बाद इसे हम पल्स मोड पर एक दो बार बस चलाएंगे, हल्की सी मलाई अच्छे से मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाई डालने के बाद अगर हम फेंटेंगे तो मलाई घी छोड़ सकती है। तो बस हल्का सा इसे हम और चला लेंगे और एक दूसरे बर्तन में फेंटी हुई आइसक्रीम को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद जो बची हुई आइसक्रीम है उसे भी हम वापस से ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। वन फोर टीस्पून वेनिला एसेंस फिर से डालेंगे और कवर करके कुछ इस तरह से फेंट लिया है। और अब बची हुई मलाई को भी इसमें डालकर पल्स मोड पर एक दो बार चला लेंगे। तो पूरी आइसक्रीम फिट चुकी है, अब हम इसे वापस उसी कंटेनर में डाल देंगे जिसमें हमने आइसक्रीम जमाई थी। और इसे हम फिर से 7-8 घंटे के लिए या जमने तक फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये आइसक्रीम कुछ इस तरह से जमकर तैयार हो गई है। और लिया है यहाँ पर मैंने दाल वाला कलछुल, उसको पहले पानी में डिप करूँगी क्योंकि मेरे पास स्कूप नहीं है, और इसी से मैं आइसक्रीम सर्व करती हूँ। अब पास से देख पा रहे होंगे कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम जमी है। डाल देंगे इसे बोल में। पानी में कलछुल को डिप ज़रूर करिए, वरना आइसक्रीम आसानी से निकल नहीं पाती है, और अगर पानी में डिप कर देंगे तो बहुत आराम से निकल जाती है। डाल दें इसमें कुछ टूटी फ्रूटी, यहाँ पर मैंने 3 कलर की टूटी फ्रूटी डाली है। आप एक भी डाल सकते हैं या जितनी आपके पास जितने कलर की हो डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वनीला आइसक्रीम को मैंने तैयार किया है, पास से इसके लुक को आप देख सकते हैं। तो लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी, सच कहूँ तो बाजार से भी अच्छी बनती है। चलिए अब कर लेते हैं टेस्ट, और टेस्ट करने से पहले पास से आप देख सकते हैं कितनी सुपर सॉफ्ट ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। और कर लेती हूँ अब टेस्ट। भाई वाह, बहुत बढ़िया, कलेजे को बहुत ठंडक मिली है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का एक बटन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों के कलेजे भी इसे खाकर ठंडे हो सकें। और इस आइसक्रीम की एक ख़ास बात कि आप इसको अलग अलग फ्लेवर में, जैसे आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ग्रेट करके डाल लें, आप चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट ग्रेट करके डाल लें, आप चाहे तो चोको चिप्स डालकर इसे इंजॉय करें, आप चाहे तो इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा वगैरह डालकर इंजॉय करें। बाज़ार में क्रश आते हैं, उसे भी ऊपर से अलग अलग फ्लेवर में डालकर इंजॉय करें, और आप चाहें तो इसमें टूटी फूटी वगैरह डालकर भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना, वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब तक आप इस वनीला आइसक्रीम को बनाकर इसका आनंद लेंगे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।